होने वाले थर्ड ओडीआई मैच की अपडेट लेकर मैं आपके पास आया हूं। इनिंग्स की ब्रेक हो चुकी है और भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके फलस्वरूप भारत ने 302 रन 5 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में बनाए, जिसके फलस्वरूप भारत ने 50 ओवरों के सीमित ओवरों में 302 रन 5 विकेट खोकर बनाए और हार्दिक पांड्या जिसमें नाबाद 92 रन और रविंद्र जडेजा वहीं पर 66 रन, नाबाद पारी के आखिरी तक टिके रहे क्रीज पर। तो आज के मैच के एक्साइटिंग जो बातें हैं वो मैं आपके सामने रख दूं इस वीडियो में। शिखर धवन वहीं पर 16 रन बनाए हैं, शुभम गिल ने 33 रन, विराट कोहली 63, श्रेयस अय्यर 19, केएल राहुल 5, हार्दिक पांड्या 92, रविंद्र जडेजा 66। तो भारत का स्कोर हुआ 302 रन 5 विकेट के नुकसान पर 50 ओवरों के बाद में। तो बॉलरों की बात करा जाए, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने काफी सटीक गेंदबाजी की और भारत को 302 रन तक ले जाने में कामयाब हो पाए। और आज के मैच की एक मुख्य बात यह भी है कि हमारे जो ऑस्ट्रेलियन टीम है उसके अंदर एक जो मुख्य बल्लेबाज है डेविड वार्नर, वो आज के मैच में नहीं खेल रहे हैं, तो ये चांसेस थोड़े भारत के लिए ज्यादा बढ़ जाते हैं कि भारत ये वाला मैच आराम से जीत सके। चलिए बॉलरों की बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन बॉलरों ने कैसा आज का जो बॉलिंग अटैक कैसा रहा है उनका। वहीं पर जॉश हेसलेवुड 10 ओवर 1 मैडन 66 रन 1 विकेट, ग्लेन मैक्सवेल 5 ओवर में 27 रन दिए इन्होंने, वहीं सीएन अबॉट 10 ओवर में 84 रन देकर 1 विकेट हासिल की, कैमरॉन ग्रीन 4 ओवरों में 27 रन देकर 1 भी विकेट नहीं मिला इनको, एस्टन गाइगर 10 ओवर में 44 रन और 2 विकेट, एडम जैम्पा 10 ओवर 45 रन 1 विकेट, तो मॉइसेस हेनरिक्स 1 ओवर में 7 रन बनाकर 7 रन देकर सॉरी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को 303 रन का टारगेट मिला है। और सेकंड इनिंग के खत्म होने के बाद मैं आपके सामने लाइव अपडेट लेके आने वाला हूँ, तो प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहे और ऐसी लाइव अपडेट क्रिकेट के पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स पे आगे कमेंट करें, ताकि मैं आगे आने वाली जितने भी इवेंट्स होंगे क्रिकेट से उसकी लाइव अपडेट आपको देता रहूँ इस चैनल पे। तो चलिए चलता हूँ मैं और मिलता हूँ आपसे वीडियो पर जल्दी ही आपको अगले अपडेट देने के लिए।